67. एक पूरी कौम एक पूरे खिते की तबाही की बुनियाद रखी सिर्फ सड़सठ अल्फाज वाले खत ने ये वो खत था जो दो नवम्बर उन्नीस सौ सत्रह को उस वक्त के बरतानवी वजीर खारजा आर्थर जेम्स बाल्फोर्ड ने बरतानवी जूश कम्यूनिटी के सरबरा लॉर्ड वॉल्टर रॉथ चाइल्ड को लिखा और उसे यकीन दिलाया कि बरतानवी हुकूमत फलस्तीन की सरजमीन पर एक यहूदी रियासत कायम करने में जायनस्ट यहूदियों की भरपूर मदद करेगी खत कहलाता है बेल्फोर डेक्लेशन और उसी की बुनियाद पर बरतानिया ने सहूनी तहरीक से एक ऐसे मुल्क का वादा किया जहां की नब्बे फीसद आबादी मकामी फलस्तनी अरबों की थी पहली आलमी जंग और सल्तनत उस्मानिया की टूट फूट के नतीजे में फलस्तनी सरजमीन उन्नीस सौ सत्रह में बरतानिया के कब्जे में चली गई अकवाम मुतहद से पहले जो आलमी तंजीम थी लीग ऑफ नेशंस उसने जैसे ही 1922 में फलस्तीन पर बरतानवी कब्जे को मंजूर किया तो ब्रिटिश हुकूमत की मदद से दुनिया भर के यहूदियों बिलखसूस यहूदियों ने फलस्तीनी इलाकों में आना शुरू कर दिया और वो सिलसिला आज तक जारी है उस टाइम पर बर्तानिया ने फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा कर करके यहूदियों को देना शुरू कर दिया बर्तानिया ने उन यहूदी काबजों के साथ मिलकर कई मुसलह ग्रुप्स बनाए उन जत्थों ने रात की तारीकी में फलस्तनी घरों पर छापा मार हमले किए घरों को गिराया और फलस्तियों की नस्ल कुशी की जैसे ही अभी 7 अक्टूबर को इसराइल फलस्तीन जंग दोबारा छिड़ी तो कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई जब फलस्तीनियों के आबाओ अजदाद खुद अपनी जमीनें बेचकर गए तो अब वो क्यों इस पर लड़ रहे बड़ा ही अफसोस हुआ कि लोगों को अपनी तारीख ही नहीं पता उल्टा उस तारीख का फॉल्स या फेक वर्जन मानना शुरू कर दिया है इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के इस दौर में लाइलमी का कोई जवाज़ नहीं है फलस्ती के आबाओ अजदाद ने अपनी जमीने किसी को नहीं बेची वो जमीनें उनसे जबरदस्ती छीनी गई थी सेहूनी हमलों की वजह से 1947 तक फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादी बढ़कर 33 फीसद हो गई थी लेकिन उनके पास सिर्फ 6 फीसद जमीन की मिल्कियत थी फिर हुआ 1948 में अल में अरबी में उसके मानी है सानहा फलस्तीनियों की मुल्क बदरी और नस्ल कुशी को अल अलनकबा कहा जाता है उसमें नीम फौजी मुसल्लाइन ग्रुपों ने फलस्तियों के 500 से ज्यादा शहर और देहात तबाह किए नसल कुशी के 70 वाकियात में पंद्रह हजार से ज्यादा फलस्तनी हलाक किए साढ़े सात लाख फलस्तियों को उनके घरों से बेघर किया और फलस्तीन की अठहत्तर फीसद जमीन पर कब्जा कर लिया बकिया बाईस फीसद जमीन वो है जो अब मगरबी किनारे और पट्टी में तकसीम है उसी नकबा के नतीजे में यहूदियों ने पंद्रह मई नाइनटीन को इसराइल के कयाम का ऐलान किया मेरी बात का यकीन नहीं आता तो 2021 में उर्दन ने एक फिल्म बनाई थी फरहा वो देखें वो एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी पर मबनी है जिसने अपनी आंखों से नकबा के दौरान सहूनी मजालिम देखे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर दिसंबर 2022 में रिलीज हुई इसराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था फिल्म को रोकने के लिए लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में हकीकत छुपाई नहीं जा सकती फिल्म रिलीज हुई इसराइल में यहूदी हलो से इनकार करना जुर्म है लेकिन फलस्ती हॉलोकास्ट अल नकबा के जिक्र पर भी पाबंदी है मगरबी मीडिया भी ज्यादातर इन्हीं के कंट्रोल में है इसीलिए आज लोगों को यहूदियों का हॉलोकास्ट तो याद है लेकिन फलस्तीनी हॉलोकास्ट अल नकबा भूल गए यहाँ ये भी बता दू की अल नकबा से पहले और बाद में बहुत से यहूदी ऐसे थे जिन्होंने इसराइल में रहने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो जायनस्ट के जंगी जराइम और फलस्तीनियों की नस्ल के खिलाफ थे नामवर यहूदी डॉक्टर और मुसनिफ हैं गैबोर माथे वो नाथसी जर्मनी के हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी हैं कहते हैं कि शुरू में उनका भी ख्वाब था कि यहूदियों का अपना मुल्क हो अपनी फौज हो ताकि नाथसी कैंपों की तारीख दो, दोहराई ना जा सके लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहूदी ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए उन्हें मकामी फलस्तियों के साथ वही कुछ करना है जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया क्योंकि मकामी आबादी को खत्म किए बगैर यहूदी रियासत किसी तौर कायम नहीं की जा सकती थी आज इसराइल दुनिया की वाहिद काबिज ताकत है जो लोग कहते हैं कि पट्टी और मगरबी उर्दन दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेलें हैं तो उनके लिए अर्ज है ये जेल्स नहीं है ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे नासी जर्मनी में थे दुनिया कहती है अलकबा दो साल जारी रहा मैं कहती हूं अलकबा कभी खत्म ही नहीं हुआ फलस्तीनी अपने बाप दादा के घरों की चाबियां आज भी गले में लटका कर रखते हैं कि कहीं दुनिया फलस्तीनी हॉलोकास्ट भूल ना जाए बिल्कुल वैसे जैसे पूरी दुनिया बेल्फोर डेक्लोरेशन के सड़सठ अल्फाज में से वो तेईस अल्फाज टोटली भूल चुकी है जो कहते हैं वाजे रहे कि कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे फलस्तीन की गैर यहूदी आबादी के शहरी और मजहबी हकूक को नुकसान पहुंचे